अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम नोकिया की एक नई सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नोकिया का पहला फोन नोकिया X21 5G डिवाइस होगी। और ये पूरी सीरीज आपको 5G देखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों, स्मार्टफोन की क्या प्राइस होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, और कब इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। लेकिन स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि यार, ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर सर्टिफाई करता और बहुत ही कमाल की वैल्यू देगा और बहुत ही कमाल की आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और नोकिया की ये पहली सीरीज होगी जिसमें आपको एक टॉप लेवल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, और साथ में कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, वो काफी कमाल की देखने को मिलेगी। और एक मैं दोस्तों यहां पर मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि अगर दोस्तों आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखते रहना, मैं आपको स्मार्टफोन के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर कर दूंगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप डिसाइड भी कर पाओगे कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों पर्सनली स्मार्टफोन को अगर देखा जाए ना, तो दोस्तों एक टॉप लेवल के स्मार्टफोन के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि आप इसमें गेमिंग भी ले पाओगे, कैमरा भी आप अच्छा ले पाओगे, और साथ ही सेल्फी लवर्स के लिए भी काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। एक और चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि यहां पर हमें ना एक चीज देखने को मिली स्मार्टफोन के अंदर, जो कि स्मार्टफोन का जो बैक साइड पर डिजाइन दिया गया, जो कलर दिया गया है, वो काफी अच्छा है। लेकिन यहां पर नॉर्मली हमें जो नोकिया के ज्यादातर स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो लुक होती है ना स्मार्टफोन की, इतनी खास नहीं देखने को मिलती, आपको पता ही है। लेकिन स्मार्टफोन जो नोकिया की ब्रांड है ना, उसके स्मार्टफोन काफी वजनी और हैवी होते हैं। आपने देखा होगा और स्मार्टफोन की काफी आपने तारीफ भी सुनी होगी, क्योंकि नोकिया एक ऐसी ब्रांड है जिसके अंदर एक कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। दोस्तों ज्यादातर नोकिया के मिनी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहे होते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है वो स्मार्टफोन जो है वो नोकिया अपने टच स्क्रीन के भी स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है। लेकिन पहले भी लॉन्च किए जा रहे, लेकिन बहुत कम थे। आपने देखा होगा कि नोकिया की जितनी भी न्यूज है वो बहुत कम आ रही होती है, और मेरे चैनल पर भी आपको बहुत कम नोकिया के स्मार्टफोन की वीडियोस देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे नोकिया के एक नई सीरीज के बारे में, जो कि X21 पहला फोन है और 5G है, और दूसरा फोन हमें प्लस के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इसके सीरीज के अंदर हमें जो फोन देखने को मिले, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। बाकी हमारे पास जो स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन थी वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और स्मार्टफोन की प्राइस भी जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। दोस्तों 7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने मिलती है, और साथ में आपको OLED पैनल देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले नंबर पे स्क्रीन काफी टॉप लेवल की दी गई है, और साथ में दोस्तों आपको पैनल काफी कमाल का दिया गया, नहीं तो यहां पर इन डिवाइसेस के अंदर आपको इतनी प्राइस के अंदर ना IPS LCD का पैनल भी दिया जाता। लेकिन इसके अंदर जो नोकिया ने इंप्रूव किया अपना पैनल, क्योंकि पैनल काफी मैटर करता है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर एक बेहतर ही होना चाहिए, क्योंकि पैनल से हमें ये पता चलता है कि हमारे स्मार्टफोन में स्क्रीन और किस तरह का हमारा स्मार्टफोन जो है वो रन हो रहा है और किस तरह का चल रहा है, वहां पर हमें पैनल से पता चल जाता है, और हमारे पैनल से ही पता चलता है कि स्मार्टफोन के अंदर किस तरह की वैल्यू देखने को मिलेगी। जब आप यूज करते हो तब आपको पैनल का फीलिंग, पैनल की फीलिंग देखने को मिलती है, किसके अंदर किस तरह का पैनल देखने को मिल रहा है, मतलब एक कमजोर पैनल देखने को मिल रहा है, एक हाई पैनल देखने को मिल रहा है, वो तब आपको पता चलता है जब आप स्मार्टफोन को यूज कर रहे होते हैं। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रिफ्रेश रेट की। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का तो दिया गया, लेकिन यहां पर दोस्तों अगर बात कर लेना स्मार्टफोन की गेमिंग के अंदर, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्मार्टफोन के अंदर अगर 90 हर्ट्ज का भी होता तो काफी बेहतर था, लेकिन यहां पर नोकिया ने अपने रिफ्रेश रेट को, मतलब हर ही चीज को इंप्रूव करने की कोशिश की है, तो स्मार्टफोन के अंदर रिफ्रेश रेट मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूं कि स्मार्टफोन के अंदर एक टॉप लेवल का रिफ्रेश रेट दिया गया, इससे ऊपर भी है, लेकिन अभी तक ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर जो है हमें यही रिफ्रेश रेट देखने को मिला। लेकिन बहुत ज्यादा डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको बहुत कम ऐसे डिवाइसेस देखने को मिल जाएगी जिनमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। खैर बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज की, तो ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज बल्कि कैमरे वाइज भी आपको तबाही देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, एंड्रॉइड 12 को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, जो कि बहुत कम ऐसे डिवाइसेस है जिनके आपको एंड्रॉइड 12 को ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर हमें एंड्रॉइड 11 को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। बात करते हैं चिपसेट की दोस्तों, जो हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिलता है 695 का चिपसेट, जो कि 6 नैनोमीटर की बेस पर मौजूद है। अब यहां पर जितने नैनोमीटर कम होंगे, जितने मतलब आर्किटेक्चर है, अब जितना कम होगा ना उतनी ही परफॉर्मेंस एनहांसम होगी। अगर ज्यादा देखने को मिलेगी तो वहां पर दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर आपको 6 नैनोमीटर है, एक अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर मैटर करती है स्मार्टफोन के अंदर रैम, रैम कितनी देखने को मिलती है और उसमें आपको स्पीड किस तरह की देखने को मिलेगी,
रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर बात कर ली जाए स्मार्टफोन की चिपसेट के हवाले से तो चिपसेट इज काफी बेस्ट चिपसेट है, लेकिन यहां पर गेमिंग के लिए भी आपके लिए काफी बेस्ट होगा। लेकिन बात करते हैं रैम और मेमोरी की, दोस्तों दो वेरिएंट एस्पेक्ट है जो कि 6 के साथ 128 GB है, 8 के साथ 256 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो साथ में आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, डुअल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा दिया गया वो कैसा दिया गया और किस मेगापिक्सल के अंदर दिया गया, किस क्वालिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। बैक साइड पर ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया, एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगा। तो मेन सेंसर आपको 64 MP के अंदर देखने को मिल जाता है, सेकंड आपको 2 MP के अंदर देखने को मिल जाता है, जो थर्ड दिया गया वो हमें 13 MP का देखने को मिलेगा। और यहां पर जो थर्ड दिया गया वो टॉप लेंस के अंदर आ रहा है जो कि सेल्फी की बात की जाए तो 16 MP के अंदर एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, बैक पर भी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और यहां पर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, दोस्तों स्मार्टफोन की आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब दो पॉइंट रह चुके हैं वो कि प्राइस और लॉन्च डेट। दोस्तों प्राइस के हवाले से अगर बात की जाए तो यह स्मार्टफोन आपको 60,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, 60,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, और इंडियन मार्केट के अंदर आपको 25,000 का राउंड देखने को मिलेगा, और इसी का राउंड आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगी। बात आ जाती है दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। दोस्तों स्मार्टफोन को ग्लोबली मार्केट के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद ये डिवाइस जो है, ये जो सीरीज है वो हमें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी, इससे पहले हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी ये ही कुछ लॉन्च डेट की जो एस्पेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों अगर बात करें इस डिवाइस के हवाले से तो काफी अच्छी डिवाइस होने वाली है, और लगभग इस स्मार्टफोन के बारे से कोई भी मतलब डाउट नहीं है, हर चीज आपको कंफर्म देखने को मिली है, तो काफी हद तक बेहतर देखने को मिली है। और इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और शहाब राजबू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।